हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पाकिस्तानी रोस्टर ने शायद इंडियन रिएक्शन चैनल्स को, जिस कैटेगरी में मैं भी आता हूँ, फेमस चैनल्स हैं। जैसा कि मैं पिक्चर देख पा रहा हूँ इसमें, तो एक रेहान की है, एक राज की है जो कि रेंचो रिएक्शन से हैं, एक हैं एम्ब्रोज रिएक्शन से। सो वीडियो का टाइटल है गेटिंग फेमस विद डक्की भाई, एंड ये जो चैनल है वो है बक्कर ब्रो। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या रोस्ट किया है इंडियन रिएक्शन चैनल्स, मतलब हम भी उस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि मैं भी आता हूं। तो चलिए बना रेडी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। डायरेक्टेड बाय बक्कर ब्रो। सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में, जिसका नाम है आर यू कॉमेडी मी। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और जब तक मेरे 10,000 फॉलोवर निश्ता तब तक नेक्स्ट वीडियो भी निश्ता। अबे साले, और माशाल्लाह से मेरा थर्डले पापा के रिक्वेस्ट करना काम आ गया है, और मेरे 4,152 से फॉलोवर इंक्रीज होके 4,343 हो गए हैं। ये खुद का रोस्ट था। मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ? मतलब कि आपके तल्ले डालते रहो लेकिन आपने फॉलो नहीं करना, और अगर गलती से एक दिन वीडियो लेट हो जाए तो कमेंट में आप सैलाब ले आओगे कि ओए चुक टाइम दे मुंह आ लिया, तेनू शर्म नहीं आंदी, वीडियो टाइम ना पाया कर, नहीं ते कुट खाएगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है क्योंकि भाई लोग इधर आपको मजा आता है, इधर वीडियो लेट हो जाए तो आपकी चस कम हो जाती है, इसलिए इधर सब्सक्राइब भी कर लेते हो मगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे चस निश्ता ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन यार मैं ना आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, 10,000 फॉलोअर करवाओ। उधर ना मैंने अलग कंटेंट बनाने का सोचा हुआ है यार, आप अंदर की बात समझते नहीं हो, एवं तो नहीं मैं आपके तले डाल रहा, जल्दी जल्दी फॉलो करो ताकि उधर भी काम शुरू हो सके। आहा बहुत चंगा ना मैं। तो भाई लोग आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने बहुत सी सीरीज शुरू की हुई हैं, जिसमें इंस्टाग्राम गॉट टैलेंट, फेसबुक गॉट टैलेंट, टिकटॉक गॉट टैलेंट है। उसी तरह आज मैं एक न्यू सीरीज का पहला एपिसोड देने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूट्यूब गॉट टैलेंट। इसमें हम यूट्यूब में पाए जाने वाली मोस्ट टैलेंटेड आवाम का जायजा लेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट आया कहाँ से, क्योंकि हम में तो यार इतना टैलेंट नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो आज हमने जिन टैलेंटेड लोगों पे गुफ्तगू करने के लिए उनको मुंतखब किया है, उनको रिएक्शन देने वाले लोग मुफ्तखोर या फिर कंटेंट चोर भी कहते हैं। तेरे को डर नहीं लगता? जी हाँ भाई लोग, आज हम रिएक्शन चैलेंज के बारे में बात करेंगे और इस बात की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर इतने कामयाब कैसे हैं, क्योंकि ये कोई इतने बड़े एलेक्स भट्टी तो है नहीं कि बंदा सिर्फ इनका मुंह ही देखता जाए। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर शुरू करो। वेलकम टू ग्रेट शो रिएक्शन। ओके ओके राज को हम लोग इंटरेस्टेड यार, पर आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं लकी भाई के सेटअप टूर पे। हाँ जी, तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये पहली बार रिएक्ट कर रहा है। भाई साहब इसका चैनल खोल के देख लो, इसकी हर एक वीडियो पाकिस्तानी वीडियोस पे होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसमें हिपोक्रेसी क्या है? रिएक्ट करना इसको इतना पसंद है कि उसकी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिस पे इसने रिएक्शन ना दिया हो। कौन है ये लोग? डक्की भाई के कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। डक्की की वीडियो पे ये बंदा रिएक्शन देने में इतना फास्ट है कि उसके चैनल पे वीडियो बाद में आती है और ये बंदा रिएक्शन पहले दे देता है। अरे नहीं यार ऐसा कैसे, गरीब वाला फीलिंग आ रहा है देख के। बाकी सारी बातें छोड़ो यार, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि आप में से तकरीबन हर बंदे ने ये वीडियो देखी होगी, तो इस सीन को देखकर आप में से किसी का भी ऐसा हासा निकला था? नहीं। लेकिन इनका हासा निकल गया भाई साहब, शायद इनका हंसा काफी सस्ता है, या फिर इन्होंने सोचा कि यार तकरीबन 3 मिनट हो गए ने मैं वीडियो दे विच कोई रिएक्शन नहीं दिता, चलो फिर थोड़ा जा हंस ही लेने आ। ही 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 ही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये क्या है? ये तो टट्टी है। बाकी सारी वीडियो इस तरह का मुंह बना के गुजर गई और आखिर में जनाब ये लाइन बोल देते हैं। That's it for this video. Make sure to support Techie by link top of the description में होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस जी यही थी वीडियो, गिन के 15 मिनट लगे हैं वीडियो बनाने में और चुप करके लाखों व्यूज ले लिए हैं। टेंशन ही कोई नहीं, टेंशन ही लेने। और अभी बात खत्म नहीं हुई, ये बंदा फिर भी थोड़ा हाँ हाँ कर लेता है, मगर बहुत से बंदे ऐसे हैं जो पैड़ा मुंह बना के सिर्फ बैठे रहते हैं। कहीं मैं तो नहीं हूँ उसमें, मेरा ना डाल दिया हो कहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। अच्छा एम्ब्रोज बंदे को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसको लूज मोशन लगे हुए हैं मगर इसको जाने नहीं दिया गया और कान के नीचे चपेटे ला के बैठाया गया है कि मेरे हाथ से बैठ के रिएक्शन दे। और फाइनली आज सना बकेट ने हमें रोस्ट कर दिया। फाइनली कमाल हो गया, मतलब ये इंतजार कर रहे थे। मैंने वो रोस्ट भी देखना है, कमेंट करना अगर देखना चाहते हो तो, सना बकेट वाला, सना बकेट का बम रामिंग राजा जी रोस्ट और बम रामिंग। सो इस वीडियो का जो टाइटल उन्होंने रखा है वो है रिएक्शन ऑन रिएक्शन चैनल्स सना बकेट। मतलब कि इनकी वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह से बन जाएगा कि रिएक्टिंग ऑन रिएक्शन चैनल। और इस वीडियो पे मैंने रोस्ट रिएक्शन बना दिया तो मेरी वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि रोस्ट रिएक्शन ऑन रिएक्टिंग ऑन रिएक्शन चैनल। और एक बार भाई सब इस बात को इमेजिन करो कि ये लोग मेरी इस वीडियो पे भी रिएक्शन दे दे तो यूट्यूब ने इनका टाइटल दे के कहना है। कि मैं यूट्यूब पे कुछ देखने के लिए ढूंढ रही थी तो मेरी नजर इस वीडियो पे पड़ी जो कि रिएक्शन था मेरी वीडियो पे। अच्छा रिएक्शन। यहाँ पर आप लोग देखो कि तीनों बंदों के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है और दरमियान वाले की तो शर्ट तक सेम है, मतलब कि जनाब ने प्रैक्टिस की हुई है कि इस तरह का मुंह बना के रखना है। और बात खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आप इनकी पूरी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये सारी दुनिया साकन हो चुकी है, मुंजमंद हो चुकी है, मतलब कि फ्रीज हो चुकी है। नीचे वीडियो चली जा रही है और इनके मुंह से तो भाई लोग ही भी नहीं निकला। बंदा इनसे पूछे कि भाई तुसी फ्री दा कंटेंट यूज कर रहे हो तो अनु कदा सदमा लगा है, खुल डोल के हसो अन्नी दियो। आहा बहुत चंगा ना मैं। यहाँ पर मैं आप सबको ये एडवाइस दूंगा कि लॉकडाउन ने स्टूडेंट का बेड़ा गर्क कर दिया तो आपने करना कुछ ऐसा है कि एक मोबाइल अपना ले लेना है और एक घर में से उठा लेना है। okay. एक के ऊपर डक्की भाई की वीडियो लगा लेनी है और दूसरे को सामने रख के वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। okay. और चुप करके okay. दोनों को एडिट करके आपने अपलोड कर देनी है। आपके गिन के यार 20 मिनट भी नहीं लगने और आपका कंटेंट तैयार हो गया। इसी तरह एक दिन में 10-10 बनाकर अपलोड करो, मेहनत लगती है थोड़ी सी। ख्याल जरूर रखना है कि आपने अपनी वीडियो में इस तरह हंसना नहीं भूलना। इसी तरह काम करो, आपके 5-6 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हर वीडियो पे लाखों व्यू आएंगे और भाई सब दांत निकालते निकालते आप लोग सेलिब्रिटी टट्टी बन जाओगे। चंगा ना मैं। मैंने भी ये फनी वीडियो बनाना छोड़ देना क्योंकि भाई साहब इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और व्यूज मिलते कोई नहीं है, इसलिए ये काम निष्ठा, चुप करके कैमरा उठाओ, रिएक्शन दिया और काम यस हो गया। अब बात यह है कि किसी का वीडियो था ना, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम कंटेंट बनाने में मेहनत कर रहे हैं और वो कंटेंट चोरी करने में। लेकिन यार इसमें भी क्लिप्स हैं किसी और की बहुत ज्यादा, बहुत सारा प्यार मैं बिल्कुल इनके वीडियो में आपने देना तो आपकी मर्जी। तो भाई लोग यही थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा मजाक उड़ रहा है, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को चस कराने वाला सब्सक्राइब करो। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपने और अपने बाल बच्चों का चस कराने वाला ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तेरी बाहों में, मेरी बाहों में, उसके बाहों में, किसके बाहों में, ऐसे बाहों में, उसके बाहों में, बाहों में तेरे, बाहों में मेरे, बाहों में उसके, उसके बाहों में मैं उसके, बाहों में तेरी, बाहों में मेरी, बाहों में बाहों। इसकी बाहें काटो पहले, कौन है ये। रोस्ट अपनी कैटेगरी का हुआ है तो कहीं ना कहीं बुरा भी लगेगा, लेकिन मैंने एंजॉय बहुत किया इस वीडियो को, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा तो आया इसको देखने में। अगर मैं भी होता इस वीडियो में तो भी मैं इतना एंजॉय करता, कोई पार्शियलिटी नहीं है इसमें कि मैं अपना रोस्ट देखकर भड़क जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस वीडियो की बात करो तो इसमें राज को और एम्ब्रोज वालों को इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले मेहनत की बात करो तो मेहनत होती है भाई,
कंटेंट क्रिएशन एंड सब कुछ बनाना और पब्लिक की रीच, पब्लिक देखती क्यों है? अच्छा, लाखों व्यूज़ आ भी रहे हैं तो पब्लिक देख रही है, और पब्लिक देख रही है तो पसंद कर रही है, सब्सक्राइब कर रही है, एंड लोग देखना चाहते हैं किसी और के साथ देख बैठ कर वीडियोस। हर कोई अकेले मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, अगर वो किसी और के साथ वीडियो नहीं देख सकता अपने पास में, तो वो हमारे साथ देख सकता है। कुछ इस तरह की हमारी कैटेगरी है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारी कैटेगरी का, रिएक्शन वालों का। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो कॉन्टेंट, अगर चोरी की बात है तो किसी का कॉन्टेंट लगा भी रहे हैं तो कंटेंट हमारा भी है, हम भी हैं भाई उसमें, इतनी बड़ी स्क्रीन पर हम भी तो हैं। और अगर ये चोरी की बात वो करे जो खुद भी चोरी कर रहा हो, किसी और के क्लिप्स यूज़ कर रहा हो, मतलब फ़न के लिए या जो भी है, पीछे से आवाज़ दे रहे थे वैसे ही अगर इनकी बात करो बक्कर ब्रो की। एंड मुझे क्लियर तो ज़रूर करना है इसमें कि अगर हम जैसी कैटेगरी वाले लोग, अगर रिएक्शन वाले लोग किसी का क्लिप लगा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है मेहनत किसी के कंटेंट में ज़्यादा है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। जैसे कि इन्होंने बोला चोरी करके वीडियो बनाओ, बैठो शूट करो, डाल दो और लाखों व्यूज़ पाओ, तो ऐसा नहीं होता है। चोरी अगर हम कर रहे हैं तो चोरी तुम्हारी वीडियो में भी, मैंने इतनी ज़्यादा क्लिप्स देखी, अरशद वारसी की देखी, पता नहीं किस किस की, इंडियन पॉलिटिशियंस की देखी, राहुल गांधी थे इसमें, इतने ज़्यादा क्लिप्स वो कहाँ से आए, वो भी तो चोरी के हैं। अगर चोरी इसे कहते हो हमारे वाले को, तो चोरी उसे भी कहो जो तुमने यूज़ किया है। ये पॉइंट था एक क्लियर करने के लिए, अगर हम चोर हैं तो तुम भी चोर हो। लेकिन अगर ऐसा रोस्ट वीडियो बनता है तो उसमें एक क्लिप उठाई जाती है, उसको अगर हंसी मजाक के तौर पर पेश किया जाता है तो उस पर हंसी आ जाती है। मुझे भी हंसी आ रही थी, जैसा कि वो रेहान वाली वीडियो थी, रेहान के बराबर में बंदा बैठा था, वो आई थिंक उसका भाई है, तो उसकी जो शक्ल दिखा रहे थे अजीब तरह से मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उसने दिखाई इस तरह से इन्होंने इस वीडियो में कि उस पर हंसी आ गई, मुझे सच में हंसी आ गई। और जो बराबर वाला बंदा था दूसरी साइड वाला, उस पर भी हंसी आ गई, क्योंकि दिखाने का तरीका अलग था, इसलिए हंसी आ गई। अगर मैं वो रिएक्शन वीडियो आप प्रॉपर तरीके से देखूं तो शायद मुझे या उनके रिएक्शंस पर हंसी ना आए, लेकिन मुझे सच में हंसी आ गई। उसने रोस्टिंग की वीडियो बनाई थी तो मुझे उन दोनों वीडियोस पर हंसी आ गई, एंड राज की वीडियो पर भी मुझे हंसी आई, उनके हंसने का तरीका, उनका जो आप फेस दिखा रहे थे जूम करता हुआ जो आ रहा था सीन, उस पर भी मुझे हंसी आ गई राज की वीडियो पर, क्योंकि वो पेश इस तरीके से किए इन्होंने इस वीडियो में, क्योंकि रोस्ट है ये तो आपको हंसी आ ही जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक छोटा सा क्लिप है। आप पूरा रिएक्शन अगर देखें उस वीडियो का, कंप्लीट वीडियो, कहने का मतलब यही है, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो शायद हंसी नहीं आएगी, क्योंकि रोस्टिंग वीडियो में हंसी आ जाती है, मुझे आ गई। लेकिन वही तो एक ख़ास बात होती है रोस्ट वीडियो की, कि आपको हंसी आ जानी चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट लगना चाहिए उसमें, कि आपको कुछ मिल रहा है, एंटरटेन हो रहे हैं आप, तो वही चीज़ें हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग करते हैं, और ऐसी कैटेगरी को पसंद करने वाले लोग हैं। हालांकि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, जितने भी लोग हैं आप सबका प्यार है बस। ऐसी वीडियोस को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, एंड मैंने तो पॉजिटिवली लिया है, एंड सभी लोग जानते हैं कि जिनके ऊपर रोस्ट है वो भी पॉजिटिवली लेंगे। एंड सनाज बकेट वाली जो वीडियो इसमें बात करी थी इन्होंने, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे उस पर रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ज़रूर बताना कमेंट करके, हम ज़रूर देखेंगे अगर आप चाहेंगे तो। रोस्टर्स का काम यही है, रोस्ट करना, एंड इसको कोई भी निगेटिव ना ले, आप भी ना लें। सो बस गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट।